Now, today I am going to discuss with you a very important topic under the Income Tax Act 1961, and name of the topic is agricultural income. Agricultural income exempt hota hai from the purview of the Income Tax Act 1961. मतलब Income Tax Act 1961 agricultural income के ऊपर tax नहीं लागू कर सकता है. ये statement हो सकता है आपने पहले भी सुना था, हो सकता है आज नया सुन रहे हो, कोई बात नहीं. इतना तो आपको पता चल गया कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स लागू नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है, बेसिस क्या है, वो आगे जाके सीखेंगे. बट सबसे पहले जो चीज़ जरूरी है वो है एग्जिमिशन का असली मतलब अंडरस्टैंड करना. इसके पहले भी एक क्लास हमने किया था कि एग्जिमिशन और डिडक्शन के बीच में फ़र्क क्या है. उसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है. तो कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए आज आखिरी बार हम लोग एग्जेम्पशन को लेकर डिस्कस करेंगे कि एग्जेम्पशन एक्चुअल में होता क्या है. मान लीजिए एक पर्टिकुलर एसएससी ने एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 100 टाइप का रिसिप्ट्स अर्न किया है. एक पर्टिकुलर एसएससी ने एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 100 टाइप का रिसिप्ट्स अर्न किया है. चलो लिखते हैं, एक पर्टिकुलर एसएससी ने एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 100 टाइप का रिसिप्ट्स अर्न किया है. नाउ जरूरी तो नहीं है ना कि ये 100 टाइप का रिसिप्ट्स को इनकम माना जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने इनकम का परिभाषा प्रोवाइड किया है. इनकम का परिभाषा कहाँ है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है. तो जो सारा रिसिप्ट्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के अंडर फॉल करेगा वो सारा रिसिप्ट्स को इनकम माना जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बाकी रिसिप्ट्स को इनकम नहीं माना जाएगा. ये बात तो आपको पता है. नाउ मान लेते कि आउट ऑफ 100 रिसिप्ट्स ओनली 75 रिसिप्ट्स जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंडर फॉल कर रहे हैं. मतलब आउट ऑफ 100 75 को हम लोग इनकम कंसीडर कर रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये जो 25 रिसिप्ट्स रह गया है जिसको हमने इनकम माना ही नहीं, ये 25 को अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे क्या? ये जो 25 रिसिप्ट्स है इसको अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे क्या? ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से. सेकेंड, आउट ऑफ 75 इनकम, 75 को आपने इनकम मान लिया ना, तो 75 इनकम्स में से केवल 60 इनकम्स जो है वो सेक्शन 5 का स्कोप के अंडर फॉल कर रहे हैं. सेक्शन 5 क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. मतलब 75 को तो इनकम माना गया था, आउट ऑफ 100 रिसिप्ट 75 रिसिप्ट को इनकम माना गया था. अभी वो आउट ऑफ 75 इनकम्स ओनली 60 इनकम्स सेक्शन नंबर 5 के अंडर फॉल कर रहे हैं. मतलब वो टैक्सेबल इनकम कंसीडर किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर टैक्स लग सकता है. जरूरी नहीं कि लगेगा, लग सकता है. बस समझ में आया यहां तक? तो 100 रिसिप्ट्स अर्न किया था एसएससी ने, आउट ऑफ 100 रिसिप्ट्स ओनली 75 को इनकम माना गया है, और वो 75 में से केवल 60 टैक्सेबल इनकम कंसीडर किया जा रहा है, मतलब वो सेक्शन 5 का स्कोप के अंडर फॉल कर रहा है. ये जो 15 इनकम्स बच गया है, ये जो 75 एंड 60 के बीच में जो डिफरेंस है 15, ये 15 इनकम्स जो बच गया है इसको अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे क्या? ये मेरा सेकेंड सवाल है आप लोगों से. बताइए ये जो 100 एंड 75 के बीच में जो डिफरेंस था 25, इसको अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे कि 75 और 60 के बीच में जो डिफरेंस है 15, इसको अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे कि दोनों को अब एग्जेम्प्टेड इनकम बोलोगे? आपका आंसर होना चाहिए कि सर 75 तो इनकम है, बट आउट ऑफ 75 ओनली 60 टैक्सेबल इनकम बन रहा है, मतलब 15 टैक्सेबिलिटी का स्कोप से बच गया, मतलब ये 15 को हम लोग एग्जेम्प्टेड इनकम मानेंगे. ये आपका आंसर होना चाहिए. 100 और 75 के बीच में जो डिफरेंस है 25, वो 25 तो इनकम ही नहीं माना गया है, टैक्सेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता है. उस ओ ओ इन ओ रिसिप्ट को कैसे आप एग्जेम्प्टेड इनकम बोल सकते हो? तो रिसिप्ट है, वो तो इनकम है ही नहीं. एग्जेम्प्टेड इनकम होने के लिए पहले तो इनकम बनना पड़ेगा एक रिसिप्ट को, फिर वो टैक्सेबिलिटी का स्कोप से अगर बाहर रह गया है तब उसको हम लोग बोलेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम. पहले वो इनकम है फिर वो एग्जेम्प्टेड इनकम है. अगर इनकम ही नहीं है तो एग्जेम्प्शन का सवाल ही नहीं. बस समझ में आ रही यहां तक? तो एग्जेम्प्शन का मतलब क्या है? एग्जेम्प्शन का मतलब टोटल इनकम का स्कोप को रिड्यूस कर रहा है एग्जेम्प्टेड इनकम. मतलब एग्जेम्प्टेड इनकम वो सारा इनकम है जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल ही नहीं हो रहे. और डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन का मतलब है वो सारा इनकम जिससे हम लोग डिडक्शन को क्लेम करता है, वो सारा इनकम
जो इनकम से हम लोग डिडक्शन को क्लेम कर रहे वो इनकम पहले ग्रॉस इनकम के अंडर शामिल हो रहे, फिर वो ग्रॉस इनकम से हम लोग डिडक्शन को कंसिडर करता है, चाहे वो ग्रॉस टोटल इनकम है चाहे हेडवाइज ग्रॉस इनकम है। हेडवाइज ग्रॉस इनकम मतलब सैलरी का इनकम हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो सकता है, सैलरी हेड का भी तो ग्रॉस सैलरी इनकम हो सकता है ना, ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकता है, ग्रॉस पीजीपी इनकम हो सकता है, ग्रॉस कैपिटल गेन इनकम हो सकता है, ग्रॉस अदर सोर्सेज का इनकम हो सकता है। तो चाहे हेडवाइज ग्रॉस इनकम है चाहे ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम के अंडर शामिल होता है एक पर्टिकुलर इनकम, फिर उस इनकम से हम लोग डिडक्शन को क्लेम करते हैं। तो डिडक्शन क्लेम जो इनकम से होता है वो इनकम पहले ग्रॉस इनकम में कंसिडर किया जाता है, बट एग्जम्प्टेड इनकम जो होता है वो इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आता ही नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आ गया डिडक्शन एंड एग्जम्प्शन के बीच में फर्क। आइए अब लोग अभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कंसंट्रेशन डालते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का टैक्सेबिलिटी स्कोप से बाहर है। इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, मतलब लेवी नहीं कर सकते, मतलब चार्ज नहीं कर सकता है। अच्छा ऐसा क्यों? ये क्यों का आंसर पता करने के पहले आप लोग मुझे बताइए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया कौन? सेंट्रल लेजिस्लेचर की स्टेट लेजिस्लेचर? हमारा देश में दो टाइप का लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा लेजिस्लेचर ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बनाया? आप बताओगे सर सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया था। अच्छा पार्लियामेंट ने क्यों बनाया था, स्टेट ने क्यों नहीं बनाया था? आप बताओगे सर पार्लियामेंट के पास पावर था, स्टेट के पास पावर ही नहीं था, ये पावर कहां से डेराइव हो रहे? अब बताओगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डेराइव हो रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 246 और उसके साथ हमने एक शेड्यूल को स्टडी किया था शेड्यूल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 246 रेड हुई शेड्यूल 7 से पता चलता था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लॉ बनाने का पावर को तीन लिस्ट में डिवाइड किया था, लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में बेसिकली 97 मैटर्स कवर्ड होते थे। ये सारा मैटर्स को हम लोग टेक्निकली बोलते थे एंट्रीज। तो यूनियन लिस्ट में जो 97 एंट्रीज कवर्ड होते थे वो 97 एंट्रीज को लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है। बात यहां तक क्लियर है ना? नाउ वो जो 97 एंट्रीज है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसका नंबर है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 बताता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो पहले लॉ बनाना पड़ेगा और ये लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है। एंट्री नंबर 82 का हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो लॉ जो बनेगा वो लॉ बनाने का पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास एग्जिस्ट करता है, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जिस्ट करता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर को देखते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 बन गया एज पर एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 ने क्या बताया था? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं था टैक्स लागू करने के लिए लॉ बनाने का, इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इसको स्कोप से बाहर रखा, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेयर एज अगर आप देखोगे स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कितना एंट्रीज कवर्ड होता है आप बताओगे सर? स्टेट लिस्ट में एंट्रीज कवर्ड होता है 66। आउट ऑफ 66 एंट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री नंबर है एंट्री नंबर 46, और एंट्री नंबर 46 बताता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो उसको लेकर लॉ बनाने का पावर हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास एग्जिस्ट करता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो लॉ बना सकता है और बना के स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकता है, लेवी कर सकता है, चार्ज कर सकता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब इनकम टैक्स 1961 से एग्जम्प्ट है, बट स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इसके ऊपर भी टैक्स लगा सकता है। बात समझ में आ रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर मौजूद है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास पावर मौजूद नहीं है, और हम लोग तो सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ पढ़ रहे हैं। हम लोगों का सिलेबस में केवल सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ नहीं है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मे कम इन योर माइंड। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर हम लोग को बताइए एग्रीकल्चरल इनकम को क्यों यूनियन लिस्ट में कवर ना करके स्टेट लिस्ट में कवर किया गया था, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूनियन लिस्ट में वो सारा मैटर कवर होता है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस होता है और स्टेट लिस्ट में वो सारा मैटर कवर होता है जिसका रीजनल इंपॉर्टेंस होता है। आप मुझे बताइए एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है
इतना बड़ा देश इंडिया, इसमें क्लाइमेट अलग अलग रीजन में अलग अलग है, वेदर कंडीशन अलग अलग रीजन में अलग अलग है, सॉइल का कंडीशन अलग अलग रीजन में अलग अलग है, तो उसे हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है वो भी अलग अलग होता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, पूरा कंट्री में एक जैसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता ही नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट अलग है, मिट्टी अलग है, सब कुछ अलग है। इसीलिए कैसे इसको यूनियन लिस्ट में कवर किया जा सकता था, कोई लॉजिक ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है? इसको स्टेट लिस्ट में कवर करना जरूरी था, क्योंकि अलग अलग स्टेट का वेदर कंडीशन, अलग अलग स्टेट का मिट्टी का कंडीशन अलग अलग है, इसी हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अलग अलग होता है। बात पूरा क्लियर हो गया? अच्छा, जब बता रहे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब आपके माइंड में क्या आ रहा है? आपके माइंड में जरूर ऐसा आ रहा है कि सर हम लोग लैंड में फसल उगाएंगे और उसी फसल को मार्केट में बेचेंगे और बेच के जो पैसा आएगा वही होगा एग्रीकल्चर इनकम। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब यही है। जब तक आप टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तब तक एग्रीकल्चर इनकम का मतलब यही होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, जो लैंड के ऊपर आप फसल उगा रहे थे वो लैंड को ही अगर आप बेच दोगे वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब एग्रीकल्चर इनकम मतलब अब रेवेन्यू नेचर का इनकम की तरफ इशारा कर रहे। अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे वो कैपिटल नेचर का इनकम होगा, क्योंकि हर डेली तो आप लैंड नहीं बेचोगे, लैंड तो एक ही बार बेच सकते हो, बेचने में तो लैंड आपके पास से चला जाएगा, बट लैंड के ऊपर हर साल फसल उगाओगे, हर साल फसल बेचोगे, तो फसल उगा के फसल बेचना रेवेन्यू नेचर का एक्टिविटी हो जाएगा, बट अगर लैंड को ही बेच दोगे तो कैपिटल नेचर का एक्टिविटी हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच के आप पैसा कमाओगे वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये बात पक्का है ना। यहाँ तक बात क्लियर है कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब एग्रीकल्चर लैंड को बेच के पैसा कमाना कभी भी एग्रीकल्चर इनकम हो ही नहीं सकता है। ये पक्का हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड बेच के जो पैसा आता है वो कैपिटल नेचर का इनकम है। अच्छा, कैपिटल नेचर का इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर जनरली तो नहीं होता है, बट अगर स्पेसिफिकली लिखा रहेगा तो होता है। हाँ, आपके पास जो फाइव हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, कौन सा फाइव हेड्स ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये जो फाइव हेड्स ऑफ इनकम है इसमें से एक पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम कैपिटल नेचर का इनकम को कवर करता है, वो है कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड बताता है अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाए और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके गेन अराइज करे वो गेन कैपिटल गेन हेड के अंडर टैक्सेबल हो जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। आपने जो एग्रीकल्चर लैंड को मार्केट में बेच रहे हो एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा क्या? ये मेन क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है कि नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज ए कैपिटल एसेट। शहर का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट है, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, हम इंडिया वाला लैंड को लेकर बात कर रहे हैं, इंडिया के बाहर अगर कोई लैंड है और आप उसका मालिक हो, आप उसको बेचोगे, उसको लेकर बात नहीं कर रहे, हम इंडिया वाला लैंड को लेकर बात कर रहे हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज ए कैपिटल एसेट। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को अगर बेचोगे और पैसा कमाओगे वो पैसा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को अगर बेचोगे और पैसा कमाओगे वो पैसा टैक्सेबल नहीं होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को अगर बेचोगे तो वहां से जो पैसा जनरेट होगा वो कैपिटल गेन के अंडर कवर नहीं होता है। तो आपके माइंड में एक सेकेंड क्वेश्चन जनरेट हो गया कि सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर बेच के हमने पैसा कमाया बट वो पैसा कैपिटल गेन कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं है। तो वो जो पर्टिकुलर गेन हमने कमाया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को ट्रांसफर करके वो गेन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते। ध्यान से सुनिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल नेचर का इनकम को टैक्सेबल नहीं करता है। जनरली आपके पास कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी जो चार हेड है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एंड अदर सोर्सेज, ये चार हेड केवल रेवेन्यू नेचर का इनकम को जनरली टैक्सेबल करता है, बट अगर स्पेसिफिकली कैपिटल नेचर का इनकम के बारे में ये चार हेड में लिखा है तो वो कैपिटल नेचर का इनकम भी ये चार हेड के थ्रू टैक्सेबल हो सकता है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को ट्रांसफर करके अगर कोई गेन जनरेट हुआ वो गेन के बारे में अदर सोर्सेज में
टैक्सेबिलिटी का कोई कंडीशन नहीं डाला गया, इसलिए और रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को बेच के अगर आपने पैसा कमाया वो पैसा अदर सोर्सेज के थ्रू टैक्सेबल नहीं होगा। एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है वो डेफिनेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिस्ट का कॉम्बिनेशन में तैयार होता है। और अगर आप स्टडी करोगे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिस्ट का कॉम्बिनेशन में तैयार हुआ है उसमें नेगेटिव लिस्ट में आपको एक पॉइंट मिलेगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर कैपिटल एसेट का नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर रहे तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अगर इंडिया का लैंड को आप दो टाइप्स में डिवाइड करोगे, एक अर्बन लैंड दूसरा रूरल लैंड, अर्बन लैंड को फिर से सब डिवाइड कर सकते हो एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड, एंड रूरल लैंड को भी आप सब डिवाइड कर सकते हो एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो बेसिकली सब डिविजन कैसा क्रिएट हो रहे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अर्बन नॉन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। क्लियर, ये चार डिविजन हो गया। ये चार डिविजन में से केवल रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हो गया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अर्बन नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज ए कैपिटल एसेट। केवल रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अगर आउटसाइड इंडिया कोई जमीन है, मतलब दूसरा कोई देश में कोई जमीन सिचुएटेड है और आप वो जमीन का मालिक हो, वो आपके लिए कैपिटल एसेट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। चाहे वो जमीन उस देश का रूरल एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं चाहे अर्बन एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, बात क्लियर हो गया। वो हर एक हालत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से कैपिटल एसेट है। केवल इंडिया वाला लैंड में ऐसा सब डिविजन है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। तो आप नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एसेट लैंड रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन को हम लोग क्लियर कर पाएंगे चार्ट का सहारा से। आइए एक चार्ट तैयार करते हैं और चार्ट का सहारा से लैंड रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग कैपिटल एसेट उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि लैंड, अभी लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर, कौन सा दो पार्ट दिखाते, देखिए पहला पार्ट में हम लिख रहे सिचुएटेड इन इंडिया, वो सारा लैंड को लेकर बात हो रहे जो सिचुएटेड इन इंडिया है, और सेकंड पार्ट में लिख रहे सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। नाउ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया वाला केस में आप लोग मुझे बताइए, चाहे वो लैंड फॉरेन कंट्री का अर्बन एरिया में सिचुएटेड है चाहे रूरल एरिया में सिचुएटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, हर एक केस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से वो लैंड तो कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो इधर हम लिख रहे हैं ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। Treated as capital asset under the Income Tax Act 1961. Under the Income Tax Act 1961, बात क्लियर। अच्छा सिचुएटेड इन इंडिया के केस में क्या होगा, देखिए सिचुएटेड इन इंडिया के केस में इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं,
situated in urban area. Urban area. नीचे ले रहे situated in a rural area. Situated in a rural area. Clear? देखिए situated in urban area में फिर हम ले रहे दो part. एग्रीकल्चरल लैंड की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड और एक ले रहे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. बात क्लियर है यहां तक? ठीक है. अभी देखिए सिचुएटेड इन रूरल एरिया इसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पार्ट में. कैसे? एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. तो बताइए मुझे अभी कैपिटल एसेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट? यस इट इज अ कैपिटल एसेट. अर्बन नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट? यस इट इज अ कैपिटल एसेट. बताइए मुझे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट? आप क्या बताएंगे? इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट. नॉट कैपिटल एसेट. वेरी गुड. रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट? Yes, it is a capital asset. बात यहां तक क्लियर है? वेरी गुड. अब बताइए मुझे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज ए कैपिटल एसेट और नॉट? नॉट ए कैपिटल एसेट. तो इसको अगर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके गेन अराइज होगा, वो गेन को आप कैपिटल गेन मानोगे क्या? ये जो गेन है ये गेन को आप लोग
कैपिटल गेन मानोगे क्या? नहीं मानोगे, नॉट ए कैपिटल गेन, क्योंकि एसेट खुद ही कैपिटल एसेट नहीं था, तो इसलिए एसेट ट्रांसफर करके अगर गेन आया, दैट इज नॉट कैपिटल गेन। गुड, अब बताइए मुझे, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड इट इज ए कैपिटल एसेट? यस इट इज ए कैपिटल एसेट। तो रूरल नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया अगर कैपिटल एसेट है और उसको ट्रांसफर करके गेन जेनरेट करे, वो गेन को आप लोग कैपिटल गेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस आप लोग बोलोगे कैपिटल गेन, वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आइए, तो आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को और ट्रांसफर करके गेन जेनरेट कर रहे, वो गेन को आप लोग कैपिटल गेन बोलोगे। यस इट इज ए कैपिटल गेन। ये टैक्सेबल है कि नहीं है? यस इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। कौन सा सेक्शन के थ्रू टैक्सेबल? इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45 होता है कैपिटल गेन हिट का चार्जिंग सेक्शन। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम को कैपिटल गेन हिट के थ्रू टैक्सेबल होना है तो उसको 45 के थ्रू ही टैक्सेबल होना है, क्योंकि 45 होता है पूरा कैपिटल गेन हिट का चार्जिंग सेक्शन, मेन चार्जिंग सेक्शन। बात क्लियर हो गया? अभी चलिए हम लोग अर्बन लैंड के तरफ जाते हैं। अर्बन लैंड एग्रीकल्चरल बोलो नॉन एग्रीकल्चरल बोलो, दोनों किस में कैपिटल एसेट है। तो चलिए अर्बन लैंड को कवर करते हैं। पहले अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, बट ट्रांसफर करने का रूप को हम लोग यहां पे स्पेसिफाई करेंगे। आइए देखते कैसे। ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफर, ध्यान से समझना पड़ेगा, बाय एनी वे अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन by the government under any law for the time being in force। आ रहे समझाएंगे इसका मतलब क्या। नेक्स्ट और एक तरफ लिख रहे हैं, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन by the government under any law for the time being in force। देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट मेट्रो का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बीच में आपका जमीन आ गया, तो गवर्नमेंट आपसे जमीन छीन लेते हैं, कॉम्पेंसेशन भी पे करता है, बट आपके पास ऑप्शन नहीं होता है,
कि हम देंगे कि नहीं देंगे, गवर्नमेंट आपसे छीन लेते हैं, इसको बोलते हैं कंपल्सरीली गवर्नमेंट आपसे आपका जमीन को एक्वायर कर लिया। कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर का डेफिनेशन में कवर किया गया है। ट्रांसफर का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 47 में दिया गया है, और ट्रांसफर का डेफिनेशन हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं जब हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर स्टडी करते हैं। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन के अंडर जैसे सेल कवर होता है, ऐसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन भी कवर होता है। आप बोलोगे सर ये तो हमने वॉलंटरली दिया नहीं, ये तो कंपल्सरीली लिया गया, हाँ इसको भी कवर किया गया है। बात समझ में आए? तो अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कंपल्सरीली गवर्नमेंट आपसे छीन लिया है, कंपल्सरीली छीन लिया है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को, और वहां से गेन जनरेट हुआ है, वो गेन कैपिटल गेन है कि नहीं है? वो गेन भी कैपिटल गेन है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एसेट था वो तो कैपिटल एसेट था। बात समझ में आया क्या बता रहे? तो इसी पर्पस में हम यहां पे लिख रहे हैं इट इज ए कैपिटल गेन। आप मेरा साथ लिखिए इट इज ए कैपिटल गेन। बताइए मुझे ये कैपिटल गेन टैक्सेबल है कि नहीं? इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जम्प्टेड। गवर्नमेंट इसको एग्जम्प्ट करा दिया। किसको एग्जम्प्ट करा दिया? समझ में आ रहे? अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू ट्रांसफर किया गया है, वहां से गेन जनरेट हुआ है, वो गेन कैपिटल गेन जरूर है बट वो एग्जम्प्ट है। कौन सा सेक्शन के थ्रू एग्जम्प्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा सेक्शन के थ्रू एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 37, इसके पीछे हिस्ट्री है क्यों इसको एग्जम्प्ट करा दिया गया, वो हिस्ट्री में अभी हम नहीं जाएंगे। क्लियर? टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। क्या बता रहे? एग्रीकल्चरल लैंड अगर अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफर करके गेन जेट करेगा तो वो भी कैपिटल गेन होगा। बट ट्रांसफर करने का रूप को आइडेंटिफाई करो, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू ट्रांसफर किया गया है तो गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 37 के थ्रू। बट आदतन कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू अगर ट्रांसफर किया गया है तो वहां से गेन जनरेट होने में वो तो कैपिटल गेन है, वो टैक्सेबल भी है। आइए लिख रहे तो इट इज ए कैपिटल गेन। And it is taxable also under section 45 के थ्रू। बात क्लियर हो रहे? Under section 45 के थ्रू it is taxable। Taxable under section 45। बात क्लियर होगी? ये पार्ट था अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर। अभी हम लोग लिखेंगे अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर। आइए अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ दिस इज अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। बताइए मुझे अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है कि नहीं? इट इज कैपिटल एसेट। तो इसको अगर ट्रांसफर किया जाए, वो ट्रांसफर से जो भी गेन जेनरेट करेगा वो गेन को आप लोग कैपिटल गेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस, उसको आप लोग कैपिटल गेन बोलोगे। तो वही हम लिखेंगे गेन जेनरेट होने में उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। और ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? यस इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45। बात समझ में आ गया? नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर रूरल और अर्बन का
क्लासिफिकेशन कैसे क्रिएट किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने अर्बन क्या होता है वो बता दिया, मतलब जो अर्बन नहीं है वही रूरल है, क्लियर। इसके बारे में हमने जब कैपिटल एसेट का डेफिनेशन स्टडी किया था कैपिटल गेन चैप्टर में, डिटेल में हमने क्लास किया था, तो वो क्लास को एक बार रेफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन। वो क्लास को एक बार रेफर कर रहे हैं, 8 मिनट लगेगा उतना सीखने में। वो क्लास हो जाने के बाद फिर से हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में आ जाएंगे और स्टडी करेंगे, क्लियर है। चलिए वो क्लास को एक बार रेफर करते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, तो इंडिया में अगर कोई लैंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड है और वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब हो गया फॉरेन में जो भी लैंड सिचुएटेड है एसएससी अगर उसका ओनर है वो लैंड को एसएससी के लिए कैपिटल एसेट माना जाएगा, बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे, नेगेटिव लिस्ट में आ रहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर आप कोई लैंड को ओन करते हो और वो लैंड सिचुएटेड है यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, नहीं तो बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, कहीं पर भी सिचुएटेड है, फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, वो लैंड आपके लिए कैपिटल एसेट है, बिकॉज वो लैंड नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहे। वो लैंड चाहे एग्रीकल्चरल है, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल है, चाहे वो लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड है ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, चाहे वो लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड है ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, हर एक हालत में वो लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा। नाउ तो कैपिटल एसेट किसको नहीं माना जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे सर इंडिया का मतलब तो समझ में आता है, एग्रीकल्चर का मतलब भी समझ में आता है, रूरल का मतलब नहीं जानते। रूरल का परिभाषा क्या है? रूरल का परिभाषा इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं है। इनकम टैक्स में जो डिफाइन है वो अर्बन का परिभाषा। तो अर्बन का परिभाषा अगर हम लोग रीड आउट कर लेंगे, जो भी एरिया अर्बन में सिचुएटेड नहीं है वही माना जाएगा रूरल एरिया। तो अर्बन का परिभाषा क्या? अर्बन का परिभाषा बता रहे कि कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी। आप बोलोगे सर म्यूनिसिपैलिटी तो जानते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी दोनों को ही लोकल गवर्नमेंट माना जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड भी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो मेंबर होता है वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसेस। बट कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होता है कैंटोनमेंट बोर्ड में, वो नॉमिनेटेड मेंबर मिलिट्री पर्सनल होता है, यही फर्क है, क्लियर है। दोनों ही लोकल गवर्नमेंट है। नाउ चाहे म्यूनिसिपैलिटी चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड, अगर ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा है, आप बोलोगे कौन सा दिन का हिसाब से 10,000 और उससे ज़्यादा है? आपका पीवीएस ईयर है 1920, तो आपका पीवीएस ईयर का स्टार्टिंग डेट के पहले जो भी सेंसस लेटेस्ट पब्लिश हुआ है उस सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपका पीवीएस ईयर 1920, तो 1920 पीवीएस ईयर का स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2019 के पहले जो भी लेटेस्ट सेंसस पब्लिश हुआ है उसके अनुसार कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन अगर 10,000 और उससे ज़्यादा है वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। बात समझ में आया? ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा है वो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। आप बोलोगे मतलब उसका ज्यूरिस्डिक्शन जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद जो भी एरिया है वो सब रूरल एरिया है? नहीं, हर एक केस में ऐसा नहीं है, इतना सिंप्लीफाई मत करो। देखो हम आपको बता रहे, मान लो यह म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया है। म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन हम आपको दे रहे हैं, पॉपुलेशन मानो 10,000 से ज़्यादा है, बट अप टू 1,00,000 है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा तो है बट 1,00,000 तक है, ये म्यूनिसिपैलिटी का ज्यूरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर आसपास तक भी अर्बन माना जाएगा। 2 किलोमीटर आसपास तक भी क्या माना जाएगा? शहर माना जाएगा। मतलब केवल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर वाला एरिया ही शहर नहीं है, उसके आसपास का 2 किलोमीटर भी शहर है। यह बताना जरूरी था, ये नहीं बताते तो लोग क्या करते, म्यूनिसिपैलिटी में जमीन नहीं खरीदते, म्यूनिसिपैलिटी के आसपास में जमीन खरीद लेते, और म्यूनिसिपैलिटी के आसपास में जमीन खरीदते बोलते हम तो म्यूनिसिपैलिटी के बाहर जमीन खरीदे। यहाँ का जमीन का प्राइस भी म्यूनिसिपैलिटी का जमीन का प्राइस के आसपास ही होता है। म्यूनिसिपल एरिया में, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में जो जमीन का प्राइस है उसके आसपास में जो जमीन सिचुएट है उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर आपने जमीन यहाँ खरीदा है और जमीन यहाँ खरीदा है दोनों में प्राइस का फर्क बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि आसपास है, क्लियर है। तो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास का एरिया को भी क्या माना जाएगा? शहर माना जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ जमीन खरीद लेते और बोलते थे कि हम रूरल एरिया में जमीन खरीदा है तो मेरा वाला जमीन कैपिटल एसेट नहीं है, मेरा वाला जमीन ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट होगा वो कैपिटल गेन हेड पे चार्जेबल नहीं होगा। बात समझ रहे?
इसलिए गवर्नमेंट ने बता दिया म्यूनिसिपलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास का एरिया को भी शहर माना जाएगा। ऐसा म्यूनिसिपलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा 1,00,000 तक है उसका 2 किलोमीटर आसपास तक भी शहर माना जाएगा। बट ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड जिनका पॉपुलेशन मोर देन 1,00,000 अप टू 10,00,000 उनके आसपास तक 6 किलोमीटर तक शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1,00,000 बट अप टू 10,00,000 ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का आसपास तक 6 किलोमीटर तक शहर माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। बस समझ रहे। बट ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,00,000 है ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुडिस्ट्रिक्शनल लिमिट जहां खत्म हो रहे उसके आसपास तक 8 किलोमीटर तक भी शहर माना जाएगा। तो शहर का परिभाषा क्या बता रहे हैं, शहर का परिभाषा बता रहे ऐसे कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा है वो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया को अर्बन एरिया माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 1,00,000 ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उस जुरिस्डिक्शनल एरिया के बाहर 2 किलोमीटर तक आसपास शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1,00,000 अप टू 10,00,000 वो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहे उस वहाँ से 6 किलोमीटर तक आसपास भी शहर माना जाएगा। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,00,000 है ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहे वहाँ से 8 किलोमीटर तक आसपास भी शहर माना जाएगा। बट ये जो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये जो हम लोग मेज़र कर रहे हो कैसे मेज़र करें, वो मेज़र करने के लिए हम लोग एरियली मेज़र करेंगे, मतलब हवा में नापेंगे, फिजिकली नहीं नापेंगे। फिजिकली नापने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ये मान लो 2 किलोमीटर है, एरियली नापेंगे हवा में नापेंगे तो ये 2 किलोमीटर है। बट मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे जो रूट है यहाँ पे ना एक बड़ा पहाड़ है, हिल है, तो यहाँ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो रूट है रेल रूट बास रूट जो है वो ऐसे है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ से फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो लोग अगर यहाँ ज़मीन खरीदे लोग बोलेगा यहाँ से यहाँ आने में जो ट्रैवलिंग होता है वो ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर होता है। तो 40 किलोमीटर शहर का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा अप टू 1,00,000 तो शहर के अंदर तो मेरा ज़मीन है नहीं, शहर के बाहर है। शहर के बाद 2 किलोमीटर तक ज़मीन को तो क्या माना जाएगा, ज़मीन को माना जाएगा अर्बन एरिया। हमने तो 2 किलोमीटर के अंदर नहीं खरीदा, हमने तो 40 किलोमीटर के अंदर खरीदे है। तो लोग इसका फायदा ले लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बता दिया, ऐसा हम फिजिकली नहीं नापेंगे, हम एरियली नापेंगे। एरियली यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, अगर 2 किलोमीटर है तो माना जाएगा वो शहर है। बात समझ में आ रही है। तो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर हम एरियली मेजर करेंगे। ये था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो रूरल एग्रीकल्चर है, रूरल एरिया कौन एरिया को माना जाएगा, जो एरिया अर्बन में नहीं आते। और अर्बन का परिभाषा मैंने आपको बता दिया, अर्बन का परिभाषा क्या बताया फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। चलो रिवाइज करो मेरे साथ। अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 उससे ज्यादा है उस एरिया में आता है तो वो एरिया को माना जाएगा अर्बन एरिया। बस समझ रहे। म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन अगर 10,000 और उससे ज्यादा है तो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में जो भी एरिया आता है वो एरिया को अर्बन एरिया माना जाएगा। ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 1,00,000 ऐसा म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड तो डेफिनेटली अर्बन एरिया है, बट उसका जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहे वो खत्म होने वाला लिमिट से 2 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, शहर मानेंगे। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1,00,000 बट अप टू 10,00,000 वो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिस्डिक्शनल एरिया तो डेफिनेटली अर्बन एरिया है, बट उसके वो जुरिस्डिक्शनल एरिया जहाँ खत्म हो रहे लिमिट जहाँ खत्म हो रहे वो लिमिट खत्म होने में से 6 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया ही मानेंगे। ऐसा कोई म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10,00,000 है वो म्यूनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो तो डेफिनेटली शहर है अर्बन है, बट वो तो डेफिनेटली अर्बन है बट वो जुरिस्डिक्शनल लिमिट जहाँ खत्म हो रहे वहाँ से 8 किलोमीटर तक आसपास को भी हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया ही मानेंगे। तो इसके बाहर जो भी एरिया होगा वो सब रूरल एरिया है, और वो एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगा वो एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल से नहीं मानेंगे। बिकॉज वो कहाँ आ रहे, बिकॉज वो आ रहे नेगेटिव लिस्ट में। क्लियर है। Again come to the main class, that is agricultural income, and all of you know that agricultural income is outside the scope of the Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961 ka purview se agricultural income bahar hai, matlab agricultural income ke upar Income Tax Act 1961 tax levy nahi kar sakte. To koi bhi SSC ka koshish kya rahega, hamesha apna income ko agricultural income declare karne ka. Agar koi bhi ek income agricultural income declare ho jaye uske upar Income Tax Act 1961 lag nahi sakta hai.
बट इसमें तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना जरूरी है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डेफिनेशन कहाँ रहता है, डेफिनेशन रहता है सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 अगर स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A एग्रीकल्चरल इनकम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है। तो कोई एक पर्टिकुलर इनकम अगर सेक्शन 2 क्लॉज 1A का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इनकम को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकता है एसएससी का डिक्लेरेशन से। अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 1A का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। एसएससी अगर खुद उसको एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बन जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? नाउ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब एग्रीकल्चरल इनकम का अगर डेफिनेशन को हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब केवल कल्टीवेटर का इनकम कवर होता है ऐसा नहीं, लैंड होल्डर का इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। तो आप क्वेश्चन करोगे सर कल्टीवेटर लैंड होल्डर ये डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोगों को बताइए। सुनिए ध्यान से, आई एम द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड, वो लैंड हो सकता है अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, हो सकता है रूरल एरिया में सिचुएटेड है, बट वो लैंड कल्टीवेशन होने के लिए एलिजिबल है, मतलब उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन किया जा सकता है। बट हम जो काम करता है प्रेजेंटली उस काम के साथ वो लैंड का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो लैंड क्या है अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने फार्मर को बुलाया और बताया कि भाई साहब इस लैंड को आप कल्टीवेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने फार्मर को राइट टू यूज द लैंड ग्रांट किया है, फार्मर को राइट टू यूज द लैंड ग्रांट किया है। बदले में फार्मर मुझे क्या पे करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा, कंसीडरेशन का नाम क्या है रेंट। मैंने फार्मर को लैंड यूज करने का राइट दिया और फार्मर मुझे रेंट पे करेगा, फार्मर उस लैंड को क्या करेगा लैंड में कल्टीवेशन करेगा। अच्छा, फार्मर ने लैंड पे कल्टीवेशन करके जो फसल उगाएंगे उस फसल मार्केट में बेचेंगे, फिर वो पैसा से मुझे रेंट पे करेगा, ये रेंट भी मेरे लिए क्या है एग्रीकल्चर इनकम है। फार्मर जो कल्टीवेशन करके फसल उगा के मार्केट में बेच के पैसा कमाया वो पैसा तो फार्मर के लिए एग्रीकल्चर इनकम है ही, वो तो आपको समझ में आता ही है, बट मेरा पास जो रेंट के नाम पे फार्मर से पैसा आ रहा है वो पैसा भी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो एग्रीकल्चरल इनकम में केवल कल्टीवेटर का इनकम कवर होता है ऐसा बात नहीं, लैंड होल्डर का इनकम भी कवर होता है। और ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता है, इसी तरीका से कल्टीवेशन किया जा सकता है, कल्टीवेशन होता है। तो इसलिए कल्टीवेटर का इनकम, लैंड होल्डर का इनकम, दोनों का इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। अभी यहाँ पे क्रक्स बहुत सारा है वो हम आपको बताएंगे कि लैंड होल्डर हमने बताया, हमने लैंड ओनर नहीं बताया, लैंड होल्डर बताया। तो लैंड होल्डर और लैंड ओनर के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है वो सब बताएंगे आगे जाके। आइए एक बार सेक्शन 2 क्लॉज 1A का इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, बाय वर्चू ऑफ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A एग्रीकल्चरल इनकम कवर्स इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टीवेटर्स बट ऑल्सो द लैंड होल्डर्स हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड्स। बस समझ में सेक्शन 2 क्लॉज 1A का इंट्रोडक्शन पता चल गया। अभी सेक्शन 2 क्लॉज 1A एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 1A का तीन सब क्लॉजेस है, सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C। देखिए सब क्लॉज A क्या बता रहा है, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड। तो लैंड से रेंट और रेवेन्यू डेराइव होना चाहिए, पहला कंडीशन है। तीन कंडीशन मिलेगा ये में और तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने में रेंट और रेवेन्यू वाला इनकम को हम लोग क्या मानेंगे, रेंट और रेवेन्यू वाला इनकम को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। तो लिखा हुआ है इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड एंड लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, ये था सेकंड कंडीशन है, एंड दैट लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ये थर्ड कंडीशन है। तो लैंड से रेंट और रेवेन्यू आ रहे हैं, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहे थे, तब हम लोग वो रेंट और रेवेन्यू को क्या मानेंगे, रेंट और रेवेन्यू को हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे लैंड होल्डर का इनकम को कवर किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 1A सब क्लॉज A में, सेक्शन 2 क्लॉज 1A सब क्लॉज A में लैंड होल्डर का इनकम को कवर किया गया। यहाँ पे रेंट और रेवेन्यू में थोड़ा सा फर्क है वो हम सीखेंगे। और रेंट और रेवेन्यू का जो पैसा है वो कैश के नाम पे भी आ सकता है, काइंड के नाम पे भी आ सकता है। मतलब मैंने फार्मर को दिया था कल्टीवेशन करने के लिए, अच्छा फार्मर को मैंने बताया कि 10,000 रुपीज़ पर एनम रेंट लगेगा। फार्मर ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 2,000 रुपीज़ हम कैश में रेंट पे करेंगे और जितना भी फसल होगा वो फसल का 20% हम आपको दे देंगे, क्योंकि पूरा पैसा कैश में पे करना फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कितना फसल अल्टीमेटली होगा वो किसी को पता नहीं है, वो वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि हम आपको 10,000 रुपीज़ पे करेंगे, उसका नुकसान हो सकता है ऐसा कंडीशन में आने में। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम आपको 2,000 रुपीज़ कैश में पे करेंगे और बाकी जो आप मांग रहे हो 8,000 रुपीज़, वो हम 8,000 रुपीज़ कैश में प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जितना भी फसल होगा उसका 10% हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका तो एक्सपीरियंस है ना कि कितना फसल हो सकता है और कितना फसल होने में कितना देने में उसका प्रॉफिट रहेगा, तो उस हिसाब से वो निगोशिएशन करके डिसाइड करेगा। बस समझ में आ रहा है, फार्मर का इतना एक्सपीरियंस तो होता ही। ये जो सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C हम स्टडी कर रहे हैं, नीचे हमने इसको
अच्छा तरीके से एनालाइज किया। एक बार नीचे की तरफ आइए और एनालाइज जो एनालाइज हमने किया है उसको एक बार स्टडी करते हैं। आइए क्या लिखा है। नाउ लेट अस एनालाइज ऑल थ्री सब क्लॉजेस वन बाई वन। क्लियर। पहले सब क्लॉज ए को देखते हैं। फर्स्ट सब क्लॉज ए क्या बताया था, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। लिखा हुआ है एज पर फर्स्ट सब क्लॉज ए द फॉलोइंग ऑल थ्री कंडीशन। मैंने क्या बताया था, सब क्लॉज ए में तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा तभी जाके रेंट और रेवेन्यू वाला इनकम को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। तो वही बता रहे कि द फॉलोइंग ऑल थ्री कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर इनकम टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ये क्या बता रहे, रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड, लैंड से रेंट और रेवेन्यू आना चाहिए। वो रेंट और रेवेन्यू कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि रेंट और रेवेन्यू कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या था, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया कोई लैंड सिचुएटेड है और वहाँ आपने फसल उगाया, उस फसल को बेचा, वो फसल आपने बेचने में भी, आप तो कल्टीवेशन किया था, कल्टीवेशन करके बेचने में भी आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। और वो लैंड को अगर रेंट पे देकर फार्मर से आपने रेंट डेराइव किया, वो रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। तो इंडिया वाला लैंड होना चाहिए। नेक्स्ट सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने में रेंट और रेवेन्यू का पैसा को हम लोग क्या मानेंगे, रेंट और रेवेन्यू का पैसा को हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है नोट में, द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब रेंट और रेवेन्यू को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कंसिडरेशन से। द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाई वन पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज द लैंड इज टर्म्ड एज रेंट। ये रेंट होता है, रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में आगे आएंगे। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव बाई द लैंड होल्डर। लैंड होल्डर का मतलब क्या है, लैंड होल्डर का मतलब ओरिजिनल लैंड होल्डर भी हो सकते हैं और टेनेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए लैंड ओनर है, ए ने बी को दिया था, ए ने बी को लैंड यूज करने का राइट दिया था और बी ने अल्टीमेटली सी को यूज करने का राइट दिया और अल्टीमेटली सी ने वो लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं। बस समझ में आ गया, ए इज द लैंड ओनर, ए ने बी के फेवर में टेनेंसी क्रिएट किया, राइट टू यूज द लैंड बी के फेवर में क्रिएट करके दिया, बी ने फिर सी के फेवर में राइट टू यूज द लैंड दिया। तो ए के लिए बी कौन हो गया, टेनेंट, और बी के लिए सी कौन हो गया, टेनेंट। तो ए के लिए बी इज द टेनेंट, सी इज द सब टेनेंट, सी अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं। बस समझ में, सी फसल उगाएंगे और फसल मार्केट में बेचेंगे और जो पैसा मिलेगा उस पैसा से बी को रेंट पे करेगा, बी फिर ए को रेंट पे करेगा। मान लीजिए ए बी को रेंट चार्ज कर रहे हैं 10,000 और बी सी को रेंट चार्ज कर रहे 12,000। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बी के पास रेंट आएगा 12,000, उसमें से बी पे करेगा ए को 10,000, तो बी के पास सरप्लस रह जाएगा 2,000। बी का सरप्लस को भी हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम और ए के पास जो 10,000 रुपया रेंट के नाम पे है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो ए का 10,000 भी एग्रीकल्चर इनकम है और बी का 2,000 भी एग्रीकल्चर इनकम है। बी को मिला था कितना, 12,000, बट बी ने ए को रेंट पे किया 10,000, तो बी के पास सरप्लस रह गया 2,000, तो बी का 2,000 भी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। और सी ने जो पैसा कमाया वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ही, सी ने मार्केट में क्रॉप्स को बेचा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचा और पैसा कमाया, उस पैसा से वो बी को जो रेंट पे किया वो रेंट का पैसा लेस करेगा, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उसका पैसा लेस करेगा, फिर जो सरप्लस रह जाएगा वो सी के लिए क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। वो हम बाद में कवर करेंगे, अभी तो लैंड होल्डर का इनकम को कवर कर रहे हैं। तो लैंड होल्डर में कौन आ रहे हैं, लैंड होल्डर में ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए इज द लैंड ओनर एंड बी इज द टेनेंट। देखिए लिखा हुआ है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन मनी और इन काइंड बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज द लैंड इज टर्म्ड एज रेंट। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द लैंड होल्डर, आइदर बाय द ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। हेयर इन द ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने बताया लैंड होल्डर, लैंड ओनर नहीं बताया, करेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ द टर्म रेवेन्यू इज अप्लाइड इन ब्रॉडर सेंस देन द रेंट। रेंट का मतलब क्या हो गया, राइट टू यूज द लैंड अगर ग्रांट करेंगे तो जो पैसा कंसिडरेशन आएगा वो कंसिडरेशन हम लोग रेंट बोलेंगे और रेंट कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि रेंट और रेवेन्यू जो है, रेंट और रेवेन्यू दोनों के बारे में हम बता रहे हैं, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेवेन्यू का मतलब क्या, लिखा हुआ है रेवेन्यू का मतलब रेंट से बड़ा है। रेवेन्यू का टर्म जो है वो ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है रेंट से। इट इंक्लूड्स इनकम अदर देन रेंट, रेंट को छोड़ के बाकी जो इनकम लैंड होल्डर के पास आता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं। जैसे कैसा, सच एज फीस रिसीव्ड फॉर रिन्यूअल फॉर ग्रांट ऑफ लैंड ऑन लीज वुड बी अ रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड। तो रेंट और रेवेन्यू के बीच में फर्क समझिए, राइट टू यूज द लैंड अगर ग्रांट किया गया है उसमें से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो तो रेंट है, वो रेंट पर एनम हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, बाई एनुअल हो सकता है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन का हिसाब से फिक्स्ड होता है।
बट जब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए राइट टू यूज लैंड प्रोवाइड किया गया, वो पीरियड खत्म होने में फिर से वो लीज और रेंट को रिन्यू किया जा सकता है। तो रिन्यूअल में रिन्यूअल फीस चार्ज किया जाता है, वो रिन्यूअल फीस तो रेंट है नहीं, तो रिन्यूअल फीस को हम लोग रेवेन्यू मानेंगे। तो चाहे रेंट के नाम पे चाहे रेवेन्यू के नाम पे लैंड होल्डर के पास जो पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश में आए चाहे काइन में आए, वो पैसे को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा थ्री कंडीशन? नंबर वन, लैंड से वो रेंट और रेवेन्यू का पैसा जनरेट हो रहा है। नंबर टू, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है। एंड थर्ड, वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रहे थे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैंड ओनर ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं एक लैंड में, क्लियर। लैंड ओनर जो है वो अपना लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, फसल उगाया है। अभी एक मूवी प्रोड्यूसर आया और उन्होंने बताया मूवी का शूटिंग करेंगे इस लैंड में, अगर आप दो दिन के लिए लैंड रेंट पे मुझे देंगे तो हम यहाँ पे शूटिंग एक्टिविटी कैरी ऑन करेंगे, आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कोई हार्म नहीं होगा, क्लियर, केवल मूवी का शूटिंग होगा, दो दिन के लिए रेंट पे दे दीजिए। तो लैंड ओनर ने दो दिन के लिए रेंट पे वो लैंड प्रोवाइड किया है, लैंड के ऊपर फसल उगाया है, फसल में शूटिंग चलेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी ये जो रेंट के नाम पे पैसा आ रहा है लैंड ओनर के पास, मतलब वो कल्टीवेटर भी है एंड लैंड ओनर भी है, तो कल्टीवेटर एंड लैंड ओनर जो भी बोलो उनके पास जो पैसा आ रहा है रेंट के नाम पे, ये पैसा आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। पहला कंडीशन क्या था? लैंड से रेंट और रेवेन्यू डेराइव होना चाहिए। हाँ, यहाँ से लैंड, यहाँ जो है मूवी प्रोड्यूसर पैसा दे रहे हैं लैंड यूज करने के लिए, लैंड यूज करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो लैंड से रेंट और रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ये ऑब्वियस बात है। बट सेकंड कंडीशन क्या था? लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। हाँ, लैंड इंडिया में भी सिचुएटेड है, बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। थर्ड कंडीशन क्या था? एग्रीकल्चरल पर्पस में लैंड यूज होना चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस में लैंड यूज हो रहा है क्या? जो रेंट के नाम पे पैसा दिया जा रहा है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए पैसा दिया जा रहा है क्या? नहीं, मूवी प्रोड्यूस करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये पैसे को हम लोग क्या नहीं मानेंगे? एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर टू क्लॉज वन ए का सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए कवर हो गया, अभी सब क्लॉज बी का स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए सब क्लॉज बी में। सब क्लॉज बी क्या बता रहे हैं? देखिए सब क्लॉज बी बता रहा है इट मे बी इनकम डेराइव फ्रॉम सच लैंड। सच लैंड मतलब वो लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है, अर्बन एरिया की रूरल एरिया कोई भी एरिया हो सकता है। एग्रीकल्चर इनकम में कौन सा एरिया में लैंड सिचुएटेड होना चाहिए इसको लेकर कोई सब डिविजन क्रिएट नहीं किया गया है बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कोई भी एरिया का लैंड हो सकता है, चाहे रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया, इंडिया वाला लैंड होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे बी इनकम डायरेक्ट फ्रॉम सच लैंड बाय, बोलकर तीन पैराग्राफ दिया हुआ है, 1, 2, 3। पहले पैराग्राफ वन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। वन में क्या लिखा है? एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर इंडिया वाला लैंड में कैरी ऑन किया गया है और वहां से इनकम कमाया गया है, वो इनकम को माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। आप लोग मुझे बताइए एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर डेफिनेशन देखना पड़ेगा। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने एग्रीकल्चर टर्म को डिफाइन नहीं किया। बात समझ में आ रही? क्या बता रहे? एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्शन नंबर टू क्लास नंबर वन ए, और उसमें एग्रीकल्चर वर्ड आ गया, बट एग्रीकल्चर होता क्या है इसको डिफाइन नहीं किया इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लोगों को बेसिकली गाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक केस, CIT वर्सेस राजा बिनॉय कुमार साहोसराय। आइए नीचे की तरफ आइए, एग्रीकल्चर का मतलब हम लोगों को पता चलेगा। देखिए सेकेंड सब क्लॉज बी, उसका फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ नंबर वन, उसमें क्या लिखा होता है? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। द टर्म एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एग्रीकल्चरल पर्पस, चाहे एग्रीकल्चर बोलो चाहे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बोलो चाहे एग्रीकल्चरल पर्पस बोलो, हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ दिस टर्म्स इन CIT वर्सेज राजा बिनॉय कुमार साहोसराय। तो CIT वर्सेज राजा बिनॉय कुमार साहोसराय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीकल्चर का मतलब क्या है ये डिफाइन किया है। आप बोलोगे सर राजा कहाँ से आ गया, इंडिया में तो राजा बोलकर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यस, आपका डाउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो केस आप देख रहे हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनॉय कुमार साहोसराय, ये केस आजादी का पहले का केस है। आप बोलोगे सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो आजादी के बाद बना, तो उसके अंडर कैसे ये केस कवर हो रहे? उसके अंडर तो ये केस कवर नहीं हो रहे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पहले भी तो इनकम टैक्स लेजिस्लेशन इंडिया में हुआ करते थे, ब्रिटिश का बना हुआ। बेसिकली ब्रिटिश पीरियड में इनकम टैक्स को लेकर दो लेजिस्लेशन हुआ करते थे। सबसे पहले जो लेजिस्लेशन इनकम टैक्स का वो था इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860, और उसके बाद जो लेजिस्लेशन आया था वो था इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922, और आज़ादी के बाद जो लेजिस्लेशन बना वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आज आप स्टडी कर रहे हो।
इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय का जो केस है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंडर कवर हो रहे थे। राजा कहाँ से आ गया? सुनिए, ब्रिटिश ने जब इंडिया को रूल कर रहे थे उस टाइम में कुछ ऐसा रीजन था जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल करते थे, वो रीजन को उस टाइम में बोला जाता था प्रोविंस। और कुछ ऐसा भी रीजन था जो बेसिकली ब्रिटिश ने इनडायरेक्टली रूल करते थे, मतलब वहाँ पे राजा महाराजा जो पहले से था वो एग्जिस्ट करते थे, ब्रिटिश ने उनको परमिशन दिया था एग्जिस्ट करने का और इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने का, और ब्रिटिश को वो लोग रिपोर्ट करते थे और टैक्स भरते थे। तो ब्रिटिश डायरेक्टली वो सारा एरिया को कंट्रोल नहीं करते थे, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे राजा महाराजा के थ्रू। वो सारा रीजन को हम लोग बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। 1947 आज़ादी के ठीक पहले ब्रिटिश इंडिया के अंडर 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए जा रहा था, उस टाइम में जो ब्रिटिश के अंडर डायरेक्टली रीजन हुआ करते थे वो लोग तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट हो गया, बट ये जो 565 स्टेट्स था उन लोग के पास ऑप्शन आया कि वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख रहे हो उसके अंडर बेसिकली उस टाइम में 552 प्रिंसली स्टेट्स फॉल किया था, और पाकिस्तान आज जो देख रहे हो उसके अंडर 13 प्रिंसली स्टेट्स फॉल किया था। ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स था उन लोग के पास ऑप्शन था, इधर तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं नहीं तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं एज ए स्टेट। तो जो 552 स्टेट्स इंडिया वाला आज का मैप के अंडर फॉल किया था उन लोगों को ऑफर किया गया था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सारे इंसेंटिव्स कि आप लोग इंडिया में ज्वाइन कर जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स एग्री किया था और उन लोगों को इंसेंटिव और बेनिफिट ऑफर किया गया था, बट तीन प्रिंसली स्टेट्स मना कर दिया था। वो तीन प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सा था? वो तीन प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली था जूनागढ़, जिसको आज आप लोग जानते हो गुजरात, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ में क्या हुआ था? जूनागढ़ का जो प्रिंस था वो था नवाब, वो था मुस्लिम, और वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो था हिंदू, मेजोरिटी हिंदू। और जम्मू एंड कश्मीर का जो सिचुएशन था वहाँ पे जो राजा था वो राजा था हिंदू बट पॉपुलेशन था मुस्लिम। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशन क्रिएट हो गया था ये दोनों स्टेट्स के साथ। जूनागढ़ का जो नवाब थे वो नवाब तो चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करे, बट वहाँ का पॉपुलेशन जो था वो मेजोरिटी हिंदू था, वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग इंडिया ज्वाइन करें, ये सिचुएशन था। और जो जम्मू एंड कश्मीर था जिसमें राजा था हिंदू और पॉपुलेशन था मुस्लिम, वो राजा ने ना तो इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे ना तो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना। बस समझ में आ रहा है? और हैदराबाद का जो राजा नवाब थे वो बेसिकली बहुत रिचेस्ट इंसान थे, वो मना कर दिया था इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करने में, वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ये था सिचुएशन। बट बाद में भी ये तीन ने इंडिया ज्वाइन किया, जूनागढ़ भी, जम्मू एंड कश्मीर भी, एंड साथ साथ आपका हैदराबाद भी, ये तीनों भी इंडिया ज्वाइन किया। मतलब टोटल में जो 552 स्टेट्स है प्रिंसली स्टेट्स था वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया ज्वाइन कर लिया था बाद में। मतलब आउट ऑफ 552 स्टेट्स 549 स्टेट्स 15th अगस्त 1947 के डेट में इंडिया ज्वाइन कर लिया था। आउट ऑफ 549 स्टेट्स 15th अगस्त 1947 इंडिया ज्वाइन कर लिया था, बट तीन स्टेट्स जूनागढ़, हैदराबाद, JNK, ये लोग बाद में इंडिया ज्वाइन किया था, 15th अगस्त 1947 इंडिया ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अभी चलिए, ये राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय, राजा नाम क्यों आ रहा है ये समझ में आ गया, क्योंकि केस उस जमाना का था जिस जमाना में राजा हुआ करते थे, तो इसीलिए राजा राम डिनोट हो रहे। बेसिकली राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय के पास एक फॉरेस्ट था, प्रोबेबली 600 एकर्स का एक फॉरेस्ट था, और उस फॉरेस्ट में साल एंड पियासाल का ट्रीस था, वो ट्रीस उन्होंने काट के बेचा था। अब वो बेच के जो पैसा कमाया था उन्होंने क्लेम किया था कि ये पैसा भी एग्रीकल्चरल इनकम है, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिस्प्यूट खड़ा किया था, उनको लग रहे थे कि एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, तो इसको लेकर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीकल्चर का मतलब क्या ये गाइडलाइन दिया था, वो गाइडलाइन आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का 1961 में भी एग्रीकल्चर का मतलब क्या है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ही हम लोग फॉलो करते रहता है। तो आइए राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया था उसको एक बार स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली कल्टीवेशन ऑफ ए फील्ड, कल्टीवेशन ऑफ ए फील्ड का मतलब क्या होता है, टीलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ द सीड्स
एंड सिमिलर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग ह्यूमन स्किल्स एंड लेबर ऑन द लैंड कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑपरेशन में दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहता है, एक को बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन, दूसरे को बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या, जो ऑपरेशन लैंड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, मतलब बीज अंकुरित होने के पहले जो ऑपरेशन किया जाता है लैंड के ऊपर, वो ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑपरेशन। और बीज अंकुरित होने के बाद जो ऑपरेशन कैरी ऑन किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। इन दोनों ऑपरेशन का कंजंक्शन में बेसिकली एग्रीकल्चर और ऑपरेशन तैयार होता है। बात समझ में आ गया, आइए बेसिक ऑपरेशन का मतलब देखते हैं। क्या लिखा है, बेसिक ऑपरेशंस आर दोस ऑपरेशंस बाय कल्टीवेटर्स व्हिच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड दैट इज प्रायर टू जर्मिनेशन, मतलब स्प्राउट आने के पहले, अंकुरित होने के पहले का जो काम है लैंड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है उस काम को हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल टीलिंग ऑफ द लैंड, जमीन के ऊपर हल चलाने में क्या होता है, जमीन सॉफ्ट हो जाता है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है, अब सॉफ्ट मिट्टी के ऊपर बीज बोया जाता है और वो बीज अंकुरित होता है, वही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टिलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ द सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन, जो सारा काम अंकुरित होने के पहले किया जाता है लैंड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है वो सारा काम को हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑपरेशन। एनी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन स्किल एंड लेबर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वहाँ पे कोई बेसिक ऑपरेशन है ही नहीं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का तो सवाल ही नहीं है, बेसिक ऑपरेशन ही नहीं, बस समझो ना, वो तो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर दोस ऑपरेशंस व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। तो अंकुरित होने के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली जो प्रोड्यूस है, मतलब बेसिकली जो आपने फसल उगा रहे हो वो फसल का ग्रोथ के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। बस समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं, फसल का ग्रोथ के लिए, फसल का प्रिजर्वेशन के लिए जो काम किया जाता है, मतलब स्प्राउट होने के बाद, अंकुरित होने के बाद जो काम किया जाता है वो काम को बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। देखिए लिखा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड, ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस फॉस्टर द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द प्रोड्यूस। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड फॉर रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। गेहूं और चावल के केस में डायरेक्टली आप खेत से उसको काटने के बाद मार्केट में बेच सकते हो क्या, नहीं, काटने के बाद कुटाई भी तो करना पड़ेगा ना, वहां से बीज तो निकालना पड़ेगा, धान होता है धान से चावल को तो निकालना पड़ेगा, तो गेहूं का बीज को तो निकालना पड़ेगा फिर जाकर मार्केट में बेच सकते हो। तो मार्केट में बेचने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो ऑपरेशन भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंडर कवर हो जाता है। क्या लिखा है देखिए, फॉर एग्जाम्पल डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ, स्प्राउट हो जाने के बाद गुड़ाई तो करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अंडरग्रोथ्स, जो आसपास में फालतू का घास वगैरह जन्म लिया है उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। इन सब प्रोसेस को वीडिंग, काटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, कटाई होता है फिर कुटाई होता है, कुटाई का मतलब थ्रेसिंग, ये सारा काम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंडर कवर होता है। तो बेसिक का मतलब हो गया अंकुरित होने का पहले का ऑपरेशन जो लैंड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और अंकुरित होने के बाद प्रोड्यूस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोड्यूस का ग्रोथ के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उस ऑपरेशन को बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि इधर ले रहे उदाहरण को, मान लीजिए एक पहाड़ है और यहां पे मिस्टर ए का लैंड है, और ठीक इसके नीचे यहां मिस्टर बी का लैंड है, यहां से एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं। बस समझ में, ये मिस्टर बी का लैंड है और ये वाला लैंड जो है ये मिस्टर ए का लैंड है, क्लियर, यहां से एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं। एक बार फ्लड आता है और मिस्टर बी का लैंड के ऊपर जो फसल है उस फसल को उखाड़ के मिस्टर ए का लैंड में फेंकते हैं। बस समझ में आया क्या बता रहे, मिस्टर बी ने फसल उगाया था, फ्लड आया तो रिवर से पानी यहाँ का फसल को, बी का लैंड का फसल को उखाड़ के ए का लैंड में लेकर जाके फेंकते हैं। ए ने वो फसल को मार्केट में बेचते और पैसा कमाते और बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम है। बोलिए मुझे, ये वाला इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम बोलोगे क्या? ए ने उस फसल के ऊपर, फसल रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था क्या? नहीं किया था।
तो इसीलिए इन्हें वो फसल बेच के जो पैसा कमाया उस पैसा को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलेंगे। दूसरा उदाहरण, मानो मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड। ये एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर मिस्टर ए का ओनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है। मिस्टर ए ने यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके फसल उगाया, बीज अंकुरित हो गया, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन एक दो परफॉर्म किया है, बहुत सारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने का टाइम ही नहीं आया, मैच्योरिटी नहीं हुआ है, फसल का मैच्योरिटी के ऊपर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ना, तो एक दो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जस्ट बीज अंकुरित हुआ है। अभी मिस्टर ए को अचानक पैसा का जरूरत पड़ गया, मिस्टर ए ने क्या किया, पूरा लैंड को बेच दिया और लैंड में जो स्टैंडिंग कॉप्स खड़ा हुआ था वो कॉप्स भी बेच दिया। बात समझ में आ रहा है, पूरा लैंड को ही बेच दिया विथ स्टैंडिंग क्रॉप्स। मिस्टर बी ने इसको खरीदा। मिस्टर बी ने क्या किया, बाकी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ए ने परफॉर्म नहीं किया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फसल को मार्केट में बेचा। अभी हुआ क्या है सुनिए, मिस्टर ए ने जब लैंड को बेचा था, लैंड के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चार्ज किया था 50 लाख, और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स था जिसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन केवल परफॉर्म हुआ था और एक दो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, वो स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए उन्होंने चार्ज किया था मान लीजिए 7 लाख। टोटल में 57 लाख उन्होंने चार्ज किया था मिस्टर बी से, मिस्टर ए ने। तो ये 50 लाख जो है ये तो आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे, बट ये 7 लाख को एग्रीकल्चर इनकम मानोगे, ऑब्वियसली मानोगे। अभी हुआ क्या है सुनिए, मिस्टर बी ने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस स्टैंडिंग कॉप्स के ऊपर, और परफॉर्म करने के बाद मिस्टर बी ने उसको मार्केट में बेचा, और कितना में बेचा पता है, 70 लाख में बेचा। बात समझ में आ रहा है, तो 70 लाख से उन्होंने 7 लाख का खर्चा को लेस किया, साथ साथ 2 लाख का सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का खर्चा को लेस किया, मतलब टोटल में 9 लाख का खर्चा को लेस किया। 17 से 9 लेस करने के बाद 8 लाख उन्होंने क्लेम किया एग्रीकल्चरल इनकम। बताइए मुझे, यह 8 लाख मिस्टर बी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? आप क्या बोलोगे, सर बेसिक तो परफॉर्म किया मिस्टर ए ने, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया मिस्टर बी ने, तो प्रॉब्लम हो गया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था, वो गाइडलाइन में बताया था कि बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों परफॉर्म होना जरूरी है, ये नहीं बताया था कि एक पर्सन ने बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों परफॉर्म करेंगे, ऐसा बात नहीं था। बेसिक परफॉर्म होना जरूरी है, साथ साथ सब्सिक्वेंट परफॉर्म होना जरूरी है। मिस्टर ए ने बेसिक को परफॉर्म किया था और बेसिक परफॉर्म करने के बाद उन्होंने मिस्टर बी को बेच दिया था, मिस्टर बी ने उसके लिए पैसा भी तो दिया था, जो एफोर्ट मिस्टर ए ने लगाया था उस एफोर्ट के लिए तो मिस्टर बी ने पैसा दिया था, और बाद में सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को कंटिन्यू किया था, तो ये तो कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है। बेसिक के बाद सब्सिक्वेंट कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, जो कंटिन्यूइंग एक्टिविटी बी ने परफॉर्म किया, ए ने बेच दिया, बी ने परफॉर्म किया, तो बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन इस फसल के ऊपर परफॉर्म तो हुआ है। ये कोई स्पॉन्टेनियस ग्रोथ वाला चीज़ तो है नहीं कि पेड़ लगा हुआ था जंगल में, उस जंगल का पेड़ को काट के पैसा कमाया गया है, वहाँ पे ना तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया ना तो सब्सिक्वेंट परफॉर्म किया गया। यहाँ पे जो फसल है, फसल के ऊपर बेसिक सब्सिक्वेंट दोनों ही परफॉर्म किया गया, बट अलग अलग लोगों ने किया है। बट ए ने जो किया था बेसिक ऑपरेशन वो तो एग्रीकल्चर में कवर हो गया, बी ने जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसको भी हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि ए ने जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसके लिए बी ने उनको पैसा दे दिया है, बाद में उन्होंने एक्टिविटी को कंटिन्यू किया है, उन्होंने तो पैसा दे दिया है। हमारा जो पहले का उदाहरण था जहाँ पे फ्लड आता है और फसल उखाड़ के दूसरे का जमीन में फेंकते हैं और दूसरे लोग उसको बेच के पैसा कमाता है, वहाँ पे तो दूसरे लोग जिन्होंने पैसा कमाया था उन्होंने ना तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया ना तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ना तो बेसिक और सब्सिक्वेंटली के लिए उन्होंने पैसा दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना। बट यहाँ पे बी का ये 8 लाख को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। सो नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन कम टू कंक्लूशंस, एंड फर्स्ट कंक्लूशन क्या है, फर्स्ट कंक्लूशन है कि मियर बेसिक ऑपरेशन जो है, अगर मियर बेसिक ऑपरेशन, मियर का मतलब ओनली बेसिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जा रहा है, ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने को आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानोगे क्या, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानोगे क्या? यस, मियर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने को आप लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानोगे। मियर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने को आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानोगे। अच्छा बताइए, मियर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जा रहा है, केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसको भी आप लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानोगे क्या? आप बोलोगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानने के लिए हम लोग
रेडी नहीं है, तो मियर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने को हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, जब तक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन का कंटिन्यूएशन में और कंजंक्शन में ना परफॉर्म किया जाए। मतलब अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को बेसिक ऑपरेशन का कंटिन्यूएशन में और कंजंक्शन में परफॉर्म किया जा रहा है, तभी हम लोग केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने को मान लेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के बीच में। बस समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन का कंटिन्यूटी में कंजंक्शन में परफॉर्म किया जा रहा है, तो केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने को हम लोग मान लेंगे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी से जो भी पैसा आएगा वो पैसे को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे, मतलब वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लागू होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? आइए नोट में हमने क्या लिखा है देखिए। देखिए मियर बेसिक ऑपरेशन, मियर बेसिक ऑपरेशन को हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मान लेंगे, मियर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। बट अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन किया जा रहा है, मतलब क्या है, अगर कंजंक्शन विद और कंटिन्यूएशन में किया जा रहा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन के साथ, तो हम लोग मान लेंगे क्या, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ने दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर अलग अलग पर्सन ने दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बट फसल के ऊपर दोनों एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, तो केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को भी हम लोग मान लेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अगर दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है और कंजंक्शन है तो। बात यहाँ क्लियर हो गया? नाउ एक उदाहरण देने में आपको समझ में आएगा और अच्छा तरीका से। मानो कि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड, ये एक लैंड है, इस लैंड का मालिक है मिस्टर एक्स, एंड ऑन दिस लैंड मिस्टर एक्स ने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंगो ट्रीज प्लांट किया। देखिए हर एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए सिस्टम सेम नहीं रहता है, जैसे चावल और गेहूं के केस में हर साल बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, बट मैंगो ट्रीज के केस में क्या होगा, एक ही बार बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जब तक वो मैंगो ट्रीज जीवित रहेंगे तब तक के बस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे। बस समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? मैंगो ट्रीज का लाइफ एटलीस्ट 60-70 ईयर्स होता है, तो 60-70 ईयर्स जो है स्टार्टिंग में तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, बट अंकुरित होने के बाद से तो केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जा रहा है हर साल, जितना दिन तक वो मैंगो ट्रीज जीवित रहेंगे। बात यहाँ समझ में आ गया? नाउ मिस्टर एक्स ने स्टार्टिंग ईयर में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उसके बाद हर साल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 3-4 साल बाद मैंगो ट्रीज में मैंगो आना स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर एक्स ने वो मैंगोज बेच के पैसा कमाता है। अब क्या बताओगे, ये जो मिस्टर एक्स ने पैसा कमा रहे, ये पैसा कमाना को एग्रीकल्चरल इनकम बोलोगे क्या? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स ने बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको हम लोग एग्रीकल्चर मानेंगे और ये एग्रीकल्चर से जो भी कमाई हो रहे वो कमाई को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे और वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। वेरी गुड। नाउ मिस्टर एक्स ने क्या किया, 10 साल बाद ये लैंड का बगीचा को लीज पे दे दिया, ये लैंड का बगीचा को लीज पे दे दिया विथ स्टैंडिंग मैंगो ट्रीज। बात समझ में आ रहा है? किसको दिया? मिस्टर वाई को दिया। मिस्टर वाई को 3 साल के लिए लीज पे दे दिया। लीज कितना साल का है? 3 साल का है। ये 3 साल मिस्टर वाई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैंगो ट्रीज रिलेटेड, एंड जो भी मैंगोज आएगा वो मैंगोज मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। और मिस्टर एक्स को क्या मिलेगा? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लर्क हम आपको बता रहे कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या पे करेंगे। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करेंगे हर साल 50,000 रुपया कैश में, 50,000 रुपया हर साल कैश में पे करेंगे, एंड जितना भी मैंगोज आएगा हर साल उसका 10%, जितना भी मैंगोज आएगा हर साल उस मैंगोज का 10% मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे कर देंगे। मतलब मिस्टर वाई का कितना रहेगा? 90%। वो 90% मिस्टर वाई मार्केट में बेच के पैसा कमाएंगे। अब बताओ मुझे, मिस्टर एक्स के पास जो पैसा आ रहा है, ये जो 50,000 रुपए एंड 10%, ये सब पैसा को अब लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे क्या? बात समझ में आया क्या बता रहे? ये पैसा को आप एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे क्या? यस, इस पैसे को आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे, क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज ए में देख लिया था कि लैंड को
लीज पे देकर, रेंट पे देकर, जो भी रेंट और रेवेन्यू के नाम पे पैसा कमाया जाता है, अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रहा है और वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, तो जो भी पैसा रेंट और रेवेन्यू के नाम पे वो लैंड लॉट और लैंड होल्डर कमा रहे, उस पैसे को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। तो इसलिए मिस्टर एक्स का ये कमाई क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है। बट मिस्टर वाई का कमाई एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? मिस्टर वाई के पास जो 90% मैंगोस रह जाता है हर साल, वो 90% मैंगोस को मार्केट में बेच के अगर पैसा कमा रहे, वो पैसा को आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे क्या? क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहे? क्योंकि मिस्टर वाई ने केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने को आप एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे क्या? आप क्या बताओगे? सर अगर केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन कंटिन्यूएशन विद बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को भी हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानने के लिए तैयार है, और वहां से जो भी पैसे जनरेट हो रहे हैं वो पैसे को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। अब बताइए मुझे, मिस्टर वाई का जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन कंटिन्यूएशन विद बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है क्या? मिस्टर वाई तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंगो ट्रीज के केस में एक ही बार इनिशियल में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हर साल तो केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है। बट मिस्टर एक्स ने जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, मिस्टर वाई एक्स ने जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वो बेसिक ऑपरेशन के लिए मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई ने पैसा दिया है क्या? ऑब्वियसली इस पैसे के अंदर वो बेसिक ऑपरेशन का कंसिडरेशन भी तो इंक्लूडेड है। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को तो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का पैसा दे दिया है, फिर कंटिन्यूएशन में सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई का सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्मेंस इन कंटिन्यूएशन विद बेसिक ऑपरेशन हो रहा है, ये हम लोग मान सकते हैं। इसलिए मिस्टर वाई का जो कमाई है वो कमाई को हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। बढ़िया, समझ में आ गई। अच्छा, मान लीजिए मिस्टर वाई क्या करता है, मिस्टर वाई वो जो मैंगोस है 90% उनके पास रह जाता है, वो मैंगोस को डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचते, मार्केट में डायरेक्टली मैंगोस को नहीं बेचते, मैंगो से मैंगो जूस बनाता है और जूस को मार्केट में बेचते हैं। अब बताओ मुझे, मैंगो और मैंगो जूस बेचना दोनों एक ही मैटर है क्या? एक ही मैटर नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म हुआ है। जो मैंगोस उन्होंने पेड़ से तोड़ के निकाला था वो तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन था, बट तोड़ने के बाद वो मैंगोस से जो जूस को एक्सट्रैक्ट किया गया, वो जूस एक्सट्रैक्ट करने को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। मैंगो और मैंगो जूस दोनों अलग अलग आइडेंटिटी का चीज है, मैंगो और मैंगो जूस सेम नहीं है, दोनों का आइडेंटिटी अलग है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म हुआ है। बस समझ में आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से पैसा आने को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। हाँ, यहाँ पे जरूर ये बात है कि मैंगो जूस मार्केट में बेच के जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसमें दो पार्ट रहेगा, एक एग्रीकल्चरल इनकम भी रहेगा और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का इनकम भी रहेगा। क्योंकि पूरा देखो, मैंगो जूस जो है वो तो मैंगो से ही निकाला गया, तो मैंगो तो उन्होंने मार्केट से नहीं खरीदा था, मैंगो तो उन्होंने खुद पेड़ से तोड़ के फिर एक्सट्रैक्ट निकाल के मैंगो जूस बनाया था। तो इसलिए यहाँ पे जो पैसा उन्होंने जूस बेच के कमाएगा उस पैसे का दो पार्ट होगा, दो हिस्सा होगा, एक एग्रीकल्चरल हिस्सा होगा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होगा। ये दोनों कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे वो हम आगे जाके सीखेंगे। बस समझ में आ रहा है क्या बता रहे? आइए देखिए नीचे की तरफ आइए, पढ़िए क्या लिखा है। देयर मस्ट बी ए क्लोज नेक्सस का मतलब क्या है? रिलेशन। देयर मस्ट बी ए क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी बींग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रेस्ड एंड प्रोसेस्ड। देखिए, आम उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोसेस से डेराइव किया था, बट आम से जब आम का जूस निकाला था, वो जूस को आप लोग नहीं बोल सकते कि आम और आम का जूस एक ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, उसी का बात यहाँ पे हो रहा है। इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी बींग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रेस्ड एंड प्रोसेस्ड इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। बात क्लियर होगी? नीचे उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण को आप स्टडी करोगे। आइए ऊपर की तरफ आइए, वो होमवर्क है, उदाहरण आपके लिए होमवर्क है। ऊपर की तरफ आइए, नंबर टू में क्या लिखा गया है देखिए, हमने क्या कर लिया, सेक्शन टू क्लॉज वन ए उसका सब क्लॉज बी स्टडी कर रहे थे, और सब क्लॉज बी का तीन पैराग्राफ था, पैराग्राफ वन को स्टडी कर लिया। पैराग्राफ वन को स्टडी करके हम लोगों को क्या पता चला कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, बट केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को भी हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मान सकते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। नंबर सेकंड पैराग्राफ क्या बता रहे हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाई ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। नाउ यहाँ पे दो स्पेसिफिक वाट के ऊपर, टर्म के ऊपर आप कंसेंट्रेट कीजिए। नंबर वन लिखा हुआ है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का मतलब क्या है? फार्मर के पास तो फसल होगा, ये ऑब्वियस बात है। दूसरा रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इनके पास भी फसल होता है,
जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड का मतलब लैंड होल्डर, अभी जो सारा लैंड होल्डर रेंट और रेवेन्यू के नाम पे पैसा ले रहे फार्मर से काइंड के रूप में, कैश के रूप में नहीं, काइंड के रूप में, तो उनके पास भी फसल होता है, तो फार्मर के पास भी फसल होता है और ये लैंड होल्डर के पास भी फसल होता है जो लैंड होल्डर रेंट और रेवेन्यू के नाम पे पैसा ले रहे काइंड के रूप में। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों फसल के ऊपर कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ ना परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस, कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिस प्रोसेस परफॉर्म करने में रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिट हो जाता है मार्केट में बेचने के लिए। जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना वो डायरेक्टली आप मार्केट में बेचोगे तो बहुत ही कम पैसा मिलेगा, मतलब वो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिट करना होता है मार्केट में बेचने के लिए, मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। फिट करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, क्लीनिंग करना, क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना। जैसे मान लीजिए ये कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर खेत से तोड़ने के बाद आप डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते, क्या करना होता है उसमें पत्ते लगा होता है, वो पत्ते को सुंदर तरीका से काटना होता है, ट्रिमिंग करना होता है, ट्रिमिंग आप जानते हो ना बालों में ट्रिमिंग करना होता है, तो ये पर ट्रिमिंग करना होता है। ट्रिमिंग करने के बाद वो गोभी देखने में, कॉलीफ्लावर देखने में सुंदर लगता है, अब वो मार्केट में बेचोगे तो लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। आम, अपने आम आम का पेड़ से तोड़ा और डायरेक्टली मार्केट में बेचोगे तो लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मिक्स्ड होता है, छोटा आम बड़ा आम सब मिक्स्ड रहता है, तो आपको ग्रेडिंग करना होता है। अब छोटा आम 20 रुपया किलो, मीडियम आम 50 रुपया किलो, बड़ा आम 80 रुपया किलो, ऐसा करना होता है। फिर कुछ आम खराब हो जाए तो खराब आम को निकालना पड़ता है, नहीं तो लोग ज़्यादा पैसा नहीं देगा, अगर अच्छा आम के साथ खराब आम भी रहेगा तो लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ग्रेडिंग करना होता है, क्लीनिंग करना होता है, ट्रिमिंग करना होता है, इन सब प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए लायक बनाने का पर्पस में। जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में बेचने के लिए लायक नहीं होता है, उसको फिट बनाना पड़ता है मार्केट के लिए। तो फिट बनाने के लिए जो प्रोसेस आप परफॉर्म करते हो उस प्रोसेस के थ्रू वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है मतलब आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब जितना पैसा मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिले वो एक्स्ट्रा पैसा को भी हम लोग क्या मानेंगे, एक्स्ट्रा पैसा को भी हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए वही लिखा हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाई ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। बट आपको याद रखना पड़ेगा ये परफॉर्मेंस जो ये जो प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। मतलब मैंगो से आपने मैंगो जूस बना दिया तब तो क्या हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गया, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म किया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, ऐसा कोई प्रोसेस परफॉर्म करोगे जो प्रोसेस ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया जाता है। ऑर्डिनरीली वाट को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो प्रोसेस ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में फीड बनाने के लिए, वो प्रोसेस से जो वैल्यू एडिशन होता है वो वैल्यू एडिशन को अभी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब वैल्यू एडिशन करने के लिए तो कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेडिंग, ट्रिमिंग, क्लीनिंग ये सब आप करोगे क्या, खुद अकेला कर नहीं पाओगे, तो लोग लगेगा, लेबर लगेगा, लेबर को भी तो आप पैसा पेमेंट करते हो। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो ये लेबर को जो पैसा पे करते हो ये प्रोडक्ट को फिट बनाने के लिए मार्केट के लिए, वो पैसा को अब लेस कर दो वैल्यू एडिशन से, जो नेट पैसा रहेगा वो नेट पैसा को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा कमाओगे वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ही, उसको फिट बना के वैल्यू एडिशन करके बेचोगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे वो एक्स्ट्रा पैसा भी क्या है, वो एक्स्ट्रा पैसा भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो वन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा कमा रहे हो, टू में वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो। तो वन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर हो रहे, टू में वो परफॉर्मेंस कवर हो रहे, और थ्री में प्रोड्यूस एंड परफॉर्मेंस दोनों एक साथ कवर करके लॉ मेकर ने बता दिया। आइए पढ़ते, द सेल बाई ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस्ड और रिसीव्ड बाई हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म अदर देन ए प्रोसेस ऑफ द नेचर मेंशन इन पॉइंट नंबर बी। मतलब पॉइंट नंबर बी में जो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात हुआ था वो प्रोसेस परफॉर्म करके अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेच रहे हो तो एंटायर पैसा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। एंटायर पैसा में दो पार्ट है ना, एक तो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेचते तो कितना मिलता, वो पार्ट भी इन्वॉल्व है, साथ साथ अगर आपने ऑर्डिनरीली जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाए तो प्रोसेस परफॉर्म करके मार्केट में बेचा तो वैल्यू एडिशन का पैसा भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेच के जो पैसा कमा रहे हैं उसमें दो पैसे इन्वॉल्व है, एक रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेचते तो कितना पैसा मिल सकता था वो पैसा इन्वॉल्व है, साथ साथ आपने तो प्रोसेस परफॉर्म करके बेचा तो प्रोसेस का पैसा भी इन्वॉल्व है। तो दोनों पैसे को एक साथ, मतलब वन एंड टू को दोनों को एक साथ मिला के बन रहे थ्री, वन एंड टू दोनों को एक साथ मिला के बन रहे थ्री। बात समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट हम लोग सी को स्टडी करेंगे, आइए सी को स्टडी स्टार्ट करते हैं।